मजा आएगा ना भिड़ो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन व्हाइट टिप्स एफएफ। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी आप सभी बढ़िया ही रहना। ओके, तो गाइस अगर आपने मेरे वीडियो के थंबनेल को देख के इस वीडियो पे क्लिक किया तो गाइस डेफिनेटली आप अपने फायर रेटन साइज जानना चाहते होंगे कि गाइस आपको अपने फोन के लिए क्या फायर रेटन साइज रखना चाहिए। अरे हां भाई हां। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, आज के सुनने में मैं आपका अपना भाई व्हाइट टिप्स एफएफ आपको बेस्ट फायर रेटन साइज बताने वाला हूं। चाहे गाइस आपका फोन 2GB का हो, 4GB का हो, 6GB का हो, गाइस सारे फोन्स के लिए मैं आज आपको बेस्ट फायर रेटन साइज बताऊंगा। एंड गाइस अगर आप एक बार उन फाइव रेटन का साइज को रख लेंगे तो बस डेफिनेटली आपके हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। अच्छा, तो चलिए गाइस अभी बात कर लेते हैं अपने बेस्ट फाइव रेटन साइज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि गाइस वो अपने फाइव रेटन साइज को या तो बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं या फिर गाइस बहुत ज्यादा छोटा रख लेते हैं, जिससे गाइस उनके हेडशॉट नहीं लग पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि गाइस आपको अपने फाइव रेटन का साइज कैसे करना है। तो देखिए गाइस, अगर आपका जो फोन है वो 2GB से लेके 3GB का है तो गाइस आपको जो अपने फाइव रेटन का साइज रखना है वो अप्रोक्सीमेटली 35 से लेके 46 के बीच में रख लेना है। तो गाइस ये बेस्ट रहेगा। एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना है कि गाइस क्योंकि आपका अगर 2GB का फोन होगा तो गाइस नॉर्मली उसकी डिस्प्ले भी छोटी होगी, इसीलिए गाइस आपके अपने फाइव रेटन को थोड़ा नीचे करके सेट कर देना है, जिससे गाइस आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस मिल जाए। ओके, तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस अगर आपका फोन 4GB या 6GB रैम का है तो गाइस आपको अपने फाइव रेटन का साइज क्या रखना है। तो देखिए गाइस, अगर आपका फोन 4GB या 6GB रैम का है तो गाइस आपको जो अपने फाइव रेटन का साइज रखना है वो अप्रोक्सीमेटली 46 से लेके 55 के बीच में कर लेना है। तो गाइस ये बेस्ट रहेगा। एंड गाइस इसको भी क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे करके सेट कर लेना है, जिससे गाइस आपको ड्रैग के लिए स्पेस मिले एंड गाइस आप इजीली हेडशॉट लगा पाएं। ओके, तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि गाइस अगर आपका फ़ोन 6GB से ऊपर का, जैसे 8GB या गाइस उससे भी अच्छा फ़ोन है तो गाइस आपको अपने फाइव रेटन का साइज़ क्या रखना है। तो देखिए गाइस उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो अपने फाइव रेटन का साइज़ है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, या तो छोटा भी रख सकते हैं या बड़ा भी रख सकते हैं। बट गाइस अभी आपको कैसे करना है कि गाइस आप अपने थंब को अपने डिस्प्ले पे रखना एंड गाइस उसके हिसाब से अपने फाइव रेटन का साइज़ कर लेना। तो गाइस डेफिनेटली आप जो भी रखेंगे उस पर आपके हेडशॉट लग जाएंगे, क्योंकि गाइस आपका फ़ोन अच्छा होगा एंड गाइस उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी, इसीलिए गाइस आप अपने फाइव का कुछ भी साइज रखेंगे तो गाइस आपका वहां पे इजीली हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस आप एक बात ध्यान रखना कि गाइस आपको बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना अपने फाइव रेटन को, उसको मीडियम रखना है या गाइस आपको अपने थंब के हिसाब से रखना है, तो गाइस डेफिनेटली आपके हेडशॉट लगेंगे ही लगेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस मैंने अभी आपको जो भी फाइव रेटन साइज बताए हैं, अगर गाइस आप इनको रख लेंगे एंड गाइस इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आपके हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि गाइस आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी है एंड गाइस जब भी आप फायर करें तो गाइस उस टाइम पे आपको रोटेशन ड्रैग का ट्राई करना है, जिससे गाइस आपके बहुत ज्यादा रेड नंबर लगेंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो गाइस आज के वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।